तो पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेलोएरिन्स का दूसरा केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेलोएरिन तीन टाइप का केमिकल रिएक्शन शो करता है, पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरा रिएक्शन विथ मेटल्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो क्लोरोबेंजीन या जो हेलोएरिन्स होता है वो रेजोनेंस शो करता है, यानी उनमें रेजोनेंस होता है, और हमने उसका पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, और उन पांचों स्ट्रक्चर को मिलाने पर हमें क्या मिला था, एक रेजोनेंस हाइब्रिड मिला था। तो हम लोग एक रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं जो पिछले क्लास में हमने ड्रॉ किया था। तो ये हमारा हेलोएरिन का क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये जो स्ट्रक्चर है ये पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलके बना है क्लोरोबेंजीन का। तो इस स्ट्रक्चर में क्या खास बात है कि ऑर्थो और पारा पोजीशन में हम क्या देख रहे हैं, ऑर्थो और पारा पोजीशन में क्या है, नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा है, यानी ऑर्थो और पारा पोजीशन में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पर किसका एंट्री होने वाला है, इस बार इलेक्ट्रोफाइल का, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो इलेक्ट्रोफाइल का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना कहाँ पसंद करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी ज़्यादा हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो, तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करना पसंद करेगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑर्थो पोजीशन है और पारा पोजीशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हेलोएरिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होते हैं। हेलोएरिन्स क्या है, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बात हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हेलो एरिन्स आर ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दौरान जो हेलोएरिन्स होता है वो क्या होता है, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन में जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है और रिंग का डेंसिटी बढ़ा देता है, जिसके चलते ऑर्थो और पारा का पोजिशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन हो जाता है। मेटा वाला में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेटा वाला में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे का वैसे है, सिर्फ ऑर्थो और पारा पोजीशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसके कारण इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पारा पोजीशन पे अटैक करना पसंद करता है। तो यहाँ पर हैलोजन एटम क्या कर रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, यानी कहने का मतलब क्या कह सकते हैं, प्लस आर इफेक्ट कर रहा है, यानी जो क्लोरीन जो है अपना लोन पेयर यूज करके रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। लेकिन जबकि क्लोरीन कैसा ग्रुप है, हमारा क्लोरीन जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। ये माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप क्या होता है, तो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है। तो यहाँ पर अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं क्लोरोबेंजीन का,
तो Cl का लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन दे करके रिंग में डेंसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन वो हुआ प्लस आर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के द्वारा दिया, इसे कहते हैं हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट। लेकिन वही दूसरी तरफ देखे तो एक और इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि सिग्मा बॉन्ड में काम करता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, यानी इस इफेक्ट को कहते हैं हम लोग माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा रिंग से, तो रिंग क्या हो जाएगा, थोड़ा डीएक्टिवेट हो जाएगा। रिंग क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट, यानी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा तो मतलब क्या हुआ, रिंग क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव। तो अगर हम इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं तो क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना पसंद करेगा, पहले से इसका टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्लोरीन तो ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा रहा है, लेकिन पहले से जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्यों कम हो गया, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, लिख लो इस बात को। तो अगर हम कंपेयर करें बेंजीन और क्लोरोबेंजीन का, तो किस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी होगा, तो बेंजीन का, तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी शो करेगा देन एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। कारण है कि क्लोरोबेंजीन में सीएल क्या कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है माइनस आई इफेक्ट के द्वारा, और वो क्या कर रहा है, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, जिसके चलते रिएक्टिविटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो है क्लोरोबेंजीन का रिएक्टिविटी कम होता है किससे, बेंजीन से टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो हमको अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना होगा हैलोजन्स में, तो ड्रास्टिक कंडीशन में करवाना होगा। अगर हमको रिएक्शन करवाना होगा हैलोजन्स का, तो हमें क्या लेना होगा, ड्रास्टिक कंडीशन लेना होगा, हमें कैटलिस्ट देना होगा, तब जाके क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो अब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, हैलोजिनेशन, यानी हम हेलो एरिन्स का फिर से क्या करवाएंगे, हैलोजिनेशन करवाएंगे, यानी एक क्लोरीन तो लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है, हम फिर से हैलोजन लगाएंगे। तो हैलोजिनेशन कैसे करवाया जाता है, तो हेलो एरिन का हैलोजिनेशन हैलोजन लेके करवाया जाएगा। अगर हम हैलोजिनेशन करवाना चाहते हैं तो क्या लेंगे, हैलोजन लेंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन लेंगे, और यहाँ पर कैटलिस्ट क्या लेंगे, FeCl3 लेंगे, या आयरन भी ले सकते हैं, Fe भी ले सकते हैं, या FeCl3 ले सकते हैं। और हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन होगा, तो इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल आपको मिलेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आपको मिलेगा Cl+, क्या मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल, Cl+। ठीक है, दो क्लोरीन है, उसमें से एक क्लोरीन Cl+ होगा और एक माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये कैटलिस्ट के वजह से ऐसा हो रहा है, क्लोरीन तो बी से टूटता वो न्यूट्रल होता, लेकिन यहाँ पर ये जो कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट के चलते यहाँ पर हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है, जिसके चलते एक Cl+ और एक Cl- बन जाता है, और Cl+ क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ तो पता है कि इलेक्ट्रोफाइल Cl+ अटैक करेगा, तो उसके बदले में कुछ निकलेगा तब ना अटैक करेगा, तो यहाँ से निकलेगा कौन, H+ एक H+ कहाँ से निकलेगा, ऑर्थो से और पारा से, तभी जा करके इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पारा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, अभी हम लोग देखे थे ऑर्थो और पारा पे, क्यों, डेंसिटी क्या था, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा था ऑर्थो और पारा पे, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करना पसंद करता है। तो ऑर्थो और पारा पोजिशन से एक H+ निकलेगा, और उसके जगह पे H+ निकलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस,
ऑर्थो पोजीशन से H प्लस निकलेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है कि नहीं, हर जगह पे एक हाइड्रोजन है, लेकिन अटैक कहाँ करेगा, ऑर्थो पे। तो अगर हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकल जाएगा तो इस पर क्या हो जाएगा, H प्लस अगर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल जो Cl प्लस है वो कहाँ अटैक करना पसंद करेगा, ऑर्थो पे और पारा पे। मेटा पे तो अटैक नहीं करेगा क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं होता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, Cl, Cl एक ऑर्थो पे लगा देंगे और एक पारा पे लगा देंगे, तो एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बना और एक पारा वाला। तो जो पारा वाला होगा वो हमेशा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो ऑर्थो वाला होगा वो हमेशा क्या होगा, माइनर होगा, कम मात्रा में बनेगा। अब इन दोनों का नाम आप अपने से मन से बताइए तो कि इन दोनों का नाम क्या होगा, तो इस कंपाउंड का नाम होगा 1,2-dichlorobenzene और इसका नाम होगा 1,4-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene और इसका नाम क्या होगा, 1,4-dichlorobenzene। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, नाइट्रेशन। तो हमारा सेकेंड जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, नाइट्रेशन ऑफ हेलोरिन्स। तो हम हेलोरिन्स का क्या करवाने जा रहे हैं, नाइट्रेशन करवाने जा रहे हैं। तो हेलोरिन्स का नाइट्रेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें एक हेलोरिन्स लेना होगा और क्या कौन सा लेंगे हम लोग, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन, नाइट्रेशन किससे करवाएंगे, नाइट्रेशन करवाने के लिए हमें चाहिए कौन सा एसिड, नाइट्रिक एसिड चाहिए। और जब भी नाइट्रेशन करवाते हैं इसके लिए क्या लेना पड़ता है, HNO3 के साथ में लेना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड और हीट करना पड़ेगा, तो हमको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा कैटलिस्ट, ठीक है, क्योंकि तो रिएक्शन इतना आसानी से नहीं होगा, कारण है कि ये क्या कर रहा है, Cl रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, ड्रास्टिक कंडीशन में होगा रिएक्शन। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कौन होगा, तो याद रखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो कौन होगा, NO2 प्लस होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, NO2 प्लस होगा। तो एक बार इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे, और एक बार पारा पे। तो यहाँ दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो वाला और दूसरा पारा वाला। तो आप लोग इसका नाम अपने से लिखिएगा, तो एक ऑर्थो वाला बना और एक पारा वाला बनेगा। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ऑर्थो वाला या पारा वाला, पारा वाला हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, ऑर्थो वाला, हमेशा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो पारा वाला मेजर क्यों हो रहा है, कारण है कि उसका ग्रुप से दूरी ज़्यादा है और यहाँ पर ऑर्थो में दूरी कम है, जिसके चलते क्या होता है, हिंड्रेंस प्रोड्यूस होता है, हिंड्रेंस के चलते क्या होता है, वो थोड़ा सा उसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी पारा वाला का ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या बनता है, मेजर बनता है। तो अभी हमने दो रिएक्शन पढ़ा है, हम लोग को और तीन रिएक्शन, टोटल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 5 रिएक्शन है, जिसमें कि 2 हमने अब तक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा तीसरा एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो है सल्फोनेशन ऑफ हेलोरिन्स। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना इस रिएक्शन में उसका नाम क्या होगा, नाइट्रो। तो पिछले क्लास में हमने समझाया था कि नाइट्रोजन से अगर अटैच होगा तो क्या होगा, नाइट्रो। तो कितने नंबर पे लगा हुआ अटैच है, इस पोजीशन को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो 1,2-nitrobenzene और इसका नाम क्या होगा, 1,4-nitrobenzene।
तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है सल्फोनेशन। तो हम हेलोरिन्स का सल्फोनेशन करवाएंगे। तो सल्फोनेशन कैसे करवाएंगे? सल्फोनेशन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? सल्फोनेशन करवाने के लिए हमें चाहिए H2SO4, और वो भी कैसा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर कंक सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होगा SO3H+। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है? SO3+। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? एक ऑर्थो पे और एक पारा पे। तो यहाँ पर फिर से क्या बनेगा? दो प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो वाला और दूसरा पारा वाला। तो SO3H ऑर्थो पे लग गया, सल्फोनिक ग्रुप। SO3H को हम लोग कौन सा ग्रुप कहते हैं? सल्फोनिक ग्रुप कहते हैं। और एक बार पारा में बन गया। तो आपको बताना है इसमें मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा। तो मेजर हमारा कौन होगा? पारा वाला हमेशा मेजर होगा और ऑर्थो वाला हमेशा क्या होगा? माइनर होगा। अब इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखना, तो आखिर इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड भी क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। आप लोग क्लास 11 में एक टेबल पढ़े होंगे, प्रायोरिटी टेबल। प्रायोरिटी टेबल में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर लिखा होता है, जिसमें कि सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर आता है सेकंड में सल्फोनिक एसिड। तो हम अगर कोई कंपाउंड है उसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हेड फंक्शनल ग्रुप किसे चूज करते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप किसे मानते हैं? तो जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर हो। तो यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक क्लोरो और एक सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड प्रायोरिटी टेबल में क्या है? सबसे टॉप में है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड है। तो हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप क्लोरो ना होकर के कौन हो जाएगा? सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे? क्लोरो से नहीं बल्कि सल्फोनिक एसिड से। तो हमारा कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 2-क्लोरो-बेंजीन है ना, 2-क्लोरो-बेंजीन और सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड जब भी लिखते हैं वो सफिक्स के रूप में लिखते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-क्लोरो-बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और सेकंड वाले कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 4-क्लोरो-बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये था हमारा तीसरा एग्जाम्पल सल्फोनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा चौथा एग्जाम्पल फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्राइडल क्राफ्ट में भी दो रिएक्शन है, एक फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एक फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल होगा वो होगा फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और पांचवा वाला होगा फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो हम यहाँ अल्काइलेशन करवाएंगे, अल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे? हेलो एरिन्स में। तो अल्काइलेशन करवाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। क्या नाम है इसका? इसका जल्दी से नाम सोच के बताओ। क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। तो हम लोग मिथाइल क्लोराइड लेंगे और यहाँ पर एक कैटलिस्ट लेंगे AlCl3, जो कि हमारा क्या होगा? एनहाइड्रस होगा। तो AlCl3 कौन सा कंडीशन में लेंगे? एनहाइड्रस कंडीशन, एकदम मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, एकदम सूखा होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? CH3+। तो हर बार इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का नेचर ही क्या है? पॉजिटिव है। तो हर प्रकार से यहाँ पर दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा, एक
ऑर्थो वाला और दूसरा पारा वाला, तो हमारा मेजर कौन होगा, हर बार की तरह पारा वाला हमारा क्या होगा, मेजर होगा, और ऑर्थो वाला क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इसका जल्दी से नाम लिख के बताओ, अगर इसको वन और टू मान लें तो क्या नाम हो जाएगा, वन क्लोरो टू मिथाइल बेंजीन, या तो अगर हम इसको टॉलिन मान लें, बेंजीन पे सी एच थ्री लगा हुआ है, टॉलिन है, तो वन टू टू क्लोरो टॉलिन, टू क्लोरो टॉलिन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि बेंजीन में अगर सी एच थ्री लगा होगा तो उससे क्या, कौन सा कंपाउंड है वो, टॉलिन। तो बेंजीन पे अगर सी एच थ्री लगा होगा तो क्या बन जाएगा, ये टॉलिन है। अगर दो नंबर पे सी एल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टू क्लोरो टॉलिन, और ये फोर क्लोरो टॉलिन। अब हम लोग पांचवा रिएक्शन देखेंगे जो कि लास्ट एग्जाम्पल है। तो हमारा पांचवा एग्जाम्पल है वो है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, या इसको हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम हेलोएरिन का रिएक्शन किससे करवाने जा रहे हैं, एसाइल क्लोराइड से, एसिटाइलेशन करवाना है ना, एसाइलेशन करवाना है ना, सी एच थ्री, सी एच थ्री सी ओ सी एल, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग, एसिटाइल क्लोराइड। जो सी एच थ्री सी ओ ग्रुप दिख रहा है ना, इसे कहते हैं एसिटाइल ग्रुप, और सी एल लगाया जिसने, इसका नाम क्या है, एसिटाइल क्लोराइड, या तो हम इसको एसिटाइल की जगह पर क्या कह सकते हैं, एसाइल, तो एसाइल ग्रुप भी कहते हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, एसाइल क्लोराइड। तो हमको एसाइल वाला पार्ट लगाना है, इसलिए इसका नाम क्या है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, तो जब भी याद रहेगी फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाएंगे तो हमें कैटलिस्ट कौन सा लेना होगा, ए एल थ्री लेना होगा, कौन सा कंडीशन में, अनहाइड्रस कंडीशन में, ठीक है। तो अब क्या होगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल लगेगा ऑर्थो पे और पारा पे, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो होगा आपका सी एस थ्री सी ओ। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, सी ओ वाले कार्बन पे, कार्बोनाइल कार्बन पे, तो अटैक किधर से करेगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, कार्बन पे, सी ओ पे है ना, तो यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, सी ओ, और सी ओ के साथ क्या लगा हुआ है, सी एच थ्री, और एक ऑर्थो पे लग गया तो दूसरा कहाँ अटैक करेगा बताओ, तो एक बनेगा पारा पे, तो सी ओ के साथ क्या लगा हुआ है, सी एच थ्री। तो इसका नाम जो है बड़ा भयंकर नाम है, ठीक है ना, इसका जो नाम है, थोड़ा बहुत नाम सुन के डर लगेगा, लेकिन एक्चुअली में जब एल्डिहाइड कीटोन जब पढ़ेंगे ना, अल्कोहल फेनोल के बाद तीसरा ऑर्गेनिक का चैप्टर, तो बहुत आसान हो जाएगा। आखिर इसका नाम है क्या, तो देखिए यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, इस ग्रुप को कहते हैं एसीटो ग्रुप, है कि नहीं, ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, एसीटो ग्रुप, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कीटोन, कीटोन लगा हुआ है ना, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फिनाइल, बेंजीन मतलब फिनाइल रिंग लगा हुआ है, तो इसका नाम है एसीटोफेनोन, क्या नाम है, एसीटोफेनोन, सी एस थ्री सी ओ ग्रुप को एसीटो, और यहाँ पर फिनाइल रिंग लगा हुआ है, तो एसीटोफेनोन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कीटोन है, और क्लोरीन लगा हुआ है, कौन सा पोजिशन पर लगा हुआ है क्लोरीन, वन टू, या इसको हम लोग करते हैं ऑर्थो पोजिशन, जहाँ से कोई ग्रुप अटैच है उसके बगल वाला पोजीशन कौन है, ऑर्थो या टू पोजीशन, सेकंड पोजीशन को ही तो हम लोग ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो या टू क्लोरो
एसीटोफेनोन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 4-क्लोरोएसीटोफेनोन। तो हमारा मेजर कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो पारा वाला मेजर होगा और ऑर्थो वाला क्या होगा, माइनर होगा। तो ये हमारा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। तो हमारा तीसरा रिएक्शन है हेलोएरिंस का, वो है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। तो हमारा जो पहला रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। तो हमने अल्काइल हैलाइड में भी देखा था कि अल्काइल हैलाइड क्या था, अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा था, किसके प्रेजेंस में, ड्राई एथर के प्रेजेंस में, और क्या बन रहा था, बीच में Mg आ रहा था और क्या बन रहा था, RmgX। और इसे हम लोग क्या कहते थे, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जो कि एक कैसा कंपाउंड था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था। तो हेलोएरिन भी सेम इसी तरह से रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम के साथ। तो हम एक हेलोएरिन बनाते हैं, ठीक है, कोई भी आप हेलोरिन ले सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पर हम लेते हैं ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, एमजी के प्रेजेंस में, और यहाँ पर क्या लेंगे, ड्राई इथर, यहाँ पर क्या लेंगे, ड्राई इथर, और यहाँ पर क्या होगा, एराइल और बेंजीन के बीच में क्या, कौन सा ग्रुप आ जाएगा, कौन सा आइटम आ जाएगा, मैग्नीशियम आइटम आ जाएगा, एम जी बी आर, है कि नहीं, R और X के बीच में कौन आ रहा था, Mg आ रहा था। तो यहाँ पर रिंग और Br के बीच में कौन आ गया, Mg। तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। और ये क्या है, इसे कौन सा कंपाउंड है, ये इसको हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या विशेष है, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास एक फिनाइल ग्रुप है, यानी ये एरोमेटिक वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या है, अल्काइल वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हैलोजन कौन हो सकता है, बीआर और आयोडीन, लेकिन जब आप क्लोरोबेंजीन से लोगे, जब आप क्लोरोबेंजीन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना चाहोगे, यानी क्लोरोबेंजीन का एमजी से रिएक्शन करवाओगे, तब यहाँ पर ड्राई इथर नहीं लेते, यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग, सॉल्वेंट टीएचएफ। टीएचएफ को क्या कहते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टीएचएफ क्या है, एक सॉल्वेंट है जिसका नाम है टेट्राहाइड्रो। टीएचएफ का फुल फॉर्म क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है, एक सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, MgCl, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्लोरोबेंजीन का से मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ड्राई इथर नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लेंगे, बस थोड़ा सा अंतर है। तो ये था रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल का, रिएक्शन विथ सोडियम। तो हमारा जो दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल का, वो है रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम। तो इस रिएक्शन का हम लोग नाम दिए थे ऊर्ध्व रिएक्शन, याद होगा कि R और X Na से रिएक्शन किया था, किसके प्रेजेंस में, इथर या ड्राई इथर के प्रेजेंस में। तो क्या हुआ था, दो अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ गया था और क्या बना था, सिमेट्रिकल अल्केन बना था, याद है ना। इस रिएक्शन का नाम क्या था, ऊर्ध्व रिएक्शन। तो ये हमारा था ऊर्ध्व रिएक्शन, लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसी रिएक्शन को हम लोग नाम दिए हैं फिटिंग रिएक्शन। तो इस बार हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे,
तो फिटिक रिएक्शन में क्या होगा कि हम लोग अल्काइल हैलाइड नहीं लेकर के क्या लेंगे, कौन सा हैलाइड लेंगे, एराइल हैलाइड लेंगे। और कौन सा, किससे रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम से, किसके प्रेजेंस में, इथर या ड्राई इथर के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, तो पिछला बार दो अल्काइल ग्रुप जुड़ रहा था ना, आर और आर आपस में कंबाइन किया, तो यहाँ पर क्या होगा, दो अराइल ग्रुप आपस में क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। दो अराइल ग्रुप आपस में क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। और क्या, कौन सा कंपाउंड बनाएगा, बाई फिनाइल, क्या बना, बाई फिनाइल, या इसको हम लोग डाई फिनाइल कहेंगे। और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaH। तो सब कुछ वही है, एक का नाम क्या था, इस रिएक्शन का नाम था ऊर्ज रिएक्शन, इसको हम लिखेंगे नहीं, याद नाम रखिए, इसका नाम क्या था, ऊर्ज रिएक्शन। हमारा रिएक्शन ये है, ये हम आपको पहले का बता रहे हैं। तो इसी ऊर्ज रिएक्शन से बना कौन सा, फिटिक रिएक्शन। बस अंतर क्या है, अल्काइल की जगह पे क्या है, अराइल ग्रुप है। और दूसरा जो रिएक्शन हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ऊर्ज फिटिक, क्या पढ़ेंगे, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। तो इसका नाम ऊर्ज फिटिक क्यों पड़ा, ऊर्ज भी है और फिटिक भी है, दोनों को रिएक्शन को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। अब मिला कैसे रहे हैं, देखिए बात समझिए, केमिस्ट्री रिएक्शन को मिला कैसे रहे हैं। ऊर्ज रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड लिए थे, अल्काइल हैलाइड। फिटिक रिएक्शन में क्या लिए थे, एराइल हैलाइड लिए, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन किससे करवाएं, सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, इथर के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, ऊर्ज रिएक्शन में अल्काइल अल्काइल जुट रहा था, इसमें एराइल एराइल ग्रुप जुट रहा है, और इस बार यहाँ पर कौन जुटेगा, अल्काइल और एराइल। तो आर के साथ कौन जुट जाएगा, अल्काइल के साथ कौन जुट गया, एराइल। और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaX। तो ये हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल समाप्त हुआ। तो अब हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, तो कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेते हैं, एकाध क्वेश्चन आंसर कर लिया जाए। तो हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई, तो हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट किससे कम है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से, आखिर क्यों है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए हम लोग पहला आंसर देखते हैं। तो आंसर फर्स्ट हमारा होगा, तो सबसे पहले हमें क्या होगा कि हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, किसका, क्लोरोबेंजीन का। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, और दूसरा कौन सा कंपाउंड है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, एक साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे, अच्छा से बना लेते हैं हम लोग, साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, इसमें एक सीएल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब यहाँ पर बोला गया है द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट क्या है, कम। डायपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, म्यू से, इसका डायपोल मोमेंट कम है और इसका डायपोल मोमेंट क्या है, ज़्यादा है। अब आपको बताना है ऐसा क्यों, इसी का रीज़न देना है। अब तक तो हमने क्वेश्चन को समझा, अब आपको आंसर यहाँ बताना है कि आखिर जो डायपोल मोमेंट है क्लोरोबेंजीन का वो कम क्यों है और इसका ज़्यादा क्यों है। तो बात समझिएगा यहाँ पर क्या है कि अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि क्लोरीन कैसा ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो डायपोल का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और ये कौन सा रिंग है, एराइल रिंग है, फिनाइल रिंग है, या एराइल रिंग इसको कहते हैं। और एराइल रिंग भी क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। तो सीएल भी माइनस आई शो करता है और एराइल रिंग भी क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो सीएल अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और एराइल इधर भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है कि नहीं। एराइल कहीं भी लगा रहेगा तो वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किससे, क्लोरीन से। तो अगर हम देखें
एक डायपोल मोमेंट ऊपर काम कर रहा है, एक डायपोल मोमेंट नीचे। सीएल ज़्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन खींचता है, एराइल रिंग कम पावर से खींचता है इलेक्ट्रॉन। तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, किधर होगा रिजल्टेंट, किधर होगा, ऊपर की तरफ। ये रिजल्टेंट किधर होगा, सीएल ज़्यादा पावर से खींचता है और एराइल रिंग कम पावर से खींचता है। एक तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक तरफ 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 8 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगेगा ना, ऐसा फिजिक्स में हम लोग पढ़ते थे, उसी तरह समझना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, सीएल, सीएल भी क्या करता है इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो डायपोल मोमेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ। और ये कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, ये एराइल ग्रुप नहीं है, कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप कैसा ग्रुप होता है तो साइक्लो अल्काइल, साइक्लोहेक्साइल। तो अल्काइल ग्रुप जो होता है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस प्लस इफेक्ट, यानी उल्टा काम करता है। इस बार इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा किसको, देगा सीएल को, किसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये सीएल को। तो रिजल्टेंट डायपोल क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब आपको बताना है कि इधर 10 न्यूटन का, इधर 2 न्यूटन का, रिजल्टेंट क्या था 8 न्यूटन का, और इधर 10 न्यूटन का था और इधर 2 न्यूटन का, तो कितना हो जाएगा 12 न्यूटन, ऐसे समझना है। तो किसका डबल मोमेंट ज़्यादा होगा, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, रीज़न क्या लिख सकते हैं, कि इन साइक इन क्लोरोबेंजीन, तो हमारा जो रीज़न होगा, पहले तो आप फिगर बना दीजिएगा, अगर आप रीज़न नहीं भी लिखिएगा तो अगर सिर्फ फिगर बना के इतना समझा दिए तो आपको नंबर फुल मार्क्स में फुल मार्क्स मिलेगा। तो इसका रीज़न क्या, बस इतना यही रीज़न है, बस इसी चीज़ को हम वर्ड में लिखेंगे कि इन क्लोरोबेंजीन, इन क्लोरोबेंजीन एराइल ग्रुप या एराइल रिंग इज इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस आई ग्रुप। इन इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन खींचे, तो माइनस आई वाले जितने भी होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग है, वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। इन क्लोरोबेंजीन एराइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, यानी ये क्या शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। बट इन साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड, साइक्लो हेक्साइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कैसा ग्रुप है ये, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अल्काइल हैलाइड दो पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर, यानी अल्काइल हैलाइड पोलर होते हुए भी वाटर में इमिसिबल, यानी वाटर में नहीं घुलता है। तो अल्काइल हैलाइड तो पोलर है ना, आंसर टू का क्या होगा, कि जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो कैसा नेचर का होता है, इस पर प्लस और इस पर माइनस। तो ये जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, यानी जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है। तो ये अल्काइल हैलाइड पोलर है और वाटर भी कैसा मॉलिक्यूल है, फिर भी ये पोलर पोलर में नहीं मिलता, जबकि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े हैं कि पोलर पोलर में घुलता है। तो घुलने नहीं घुलने का कारण है ये अल्काइल चेन, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, कार्बन का चेन होता है, और ये कार्बन का चेन जो होता है ना, ये वाटर में घुलना पसंद नहीं करता है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ये घुल जाता अगर ये कार्बन का चेन नहीं होता तो। कार्बन का चेन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, वाटर में घुलना पसंद नहीं करता है। तो ये बड़ा ऐसा हाइड्रोफोबिक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बड़ा ऐसा हाइड्रोफोबिक ग्रुप लगा होने के चलते ये नहीं घुलता। इसका कारण है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म नहीं करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ फॉर्म नहीं करता है। तो पोलर होते हुए भी ये नहीं घुल रहा है, कारण है
कि अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो रीज़न है वो क्या होगा? हमारा रीज़न अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते हैं, इसके चलते ये क्या है? इनसॉल्यूबल है या इमिसिबल है वाटर के साथ। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हुआ। तीसरा अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर अनहाइड्रस कंडीशन। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करते हैं तो अनहाइड्रस कंडीशन क्यों यूज करते हैं, यानी अनहाइड्रस कंडीशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्यों प्रिपेयर किया जाता है? अनहाइड्रस कंडीशन क्या होता है? जहाँ इवन ए ट्रेसेस ऑफ वाटर भी ना हो, यानी वाटर का नामो निशान नहीं होना चाहिए, वाटर का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों? हम बताए भी थे इसका आंसर कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव कंपाउंड। क्या लिखवा दे देखो तुम। तो हमारा जो इसका आंसर होगा थर्ड का वो होगा रीजन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विथ सोर्स ऑफ प्रोटोन टू गिव हाइड्रोकार्बन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना हाईली रिएक्टिव है कि अगर उसको कहीं से भी प्रोटोन का सोर्स मिल जाए तो तुरंत वो रिएक्शन करके क्या बना लेगा? हाइड्रोकार्बन। और इसका एक एग्जांपल देखे थे हम लोग कि जैसे हम एक एग्जांपल देखे थे CH3MgBr, ये एक हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और इसका रिएक्शन किससे करवा दिए थे हम लोग? वाटर से। तो वाटर से क्या किया था? ये नेगेटिव था, सीधे क्या कर लिया, यहां से वाटर से क्या खींच लिया, ये एक H+ यानी प्रोटोन खींच लिया और क्या बन गया? CH4। और MgBrOH क्या बन गया? बाय प्रोडक्ट। तो ये क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन बन गया, मीथेन। तो ये हमारा थर्ड का एग्जांपल है कि ना डिजेंट हाईली रिएक्टिव है, वो मॉइस्चर से H+ तुरंत खींच लेगा, प्रोटोन खींच लेगा और हाइड्रोकार्बन बना लेगा। तो ये हमारा रीजन वाला क्वेश्चन आंसर था। तो इसके साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।